वेलकम है गाइस आप सभी का आपके अपने चैनल टेकवर्क पे। एक मैं कंपैरिजन आपके सामने लेके आया हूँ, बहुत ही अमेजिंग कंपैरिजन है। एक तरफ है नॉइस के एयरबड्स मिनी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और बहुत ज़्यादा सेल पे गए थे। मैंने भी इसको बाय किया था ऑन द सेल 1299 रुपीज़ में, थोड़े से महंगे पड़े थे बट बीच में अभी ये आप जब बिग बिलियन डेज थे तो उस टाइम 999 के भी मिल रहे थे, तो कभी कभी डील चलती रहती तो आप इसको ले सकते हो उस प्राइस में। अगर मैं ज़ेब्रॉन्स की बात करूँ तो ये मेरे को बहुत ही अल्ट्रा लो प्राइस में पड़े हैं, 700 रुपीज़ से भी कम प्राइस में पड़े हैं, क्योंकि मैंने शॉपसी एप्लीकेशन बुक किया था इनको। शॉपसी एप्लीकेशन आपको आपकी परचेज पे कैशबैक देता है, तो अगर आपने अभी तक शॉपसी को नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसको इंस्टॉल कर सकते हो। फ्लिपकार्ट की ही जॉस्ड एप्लीकेशन है, टोटली सेफ है, उसको आप इंस्टॉल करके अपनी परचेज पे कैशबैक पा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, वहां से आके आप इंस्टॉल करो और इंस्टेंटली 50 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। साथ में आप वो कैशबैक जो है वो मतलब अप्लाई कर सकते हो, आपको जैसे ही कोई प्रोडक्ट बुक करोगे तो आपकी परचेज पे वो ऐड हो जाएगा और 7 डेज का जब रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे क्या करना है वो मैंने वीडियो बना रखी है डेडिकेटेड, तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है वो वीडियो भी। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, बहुत ही टाइनी केस में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे एक तरफ है ज़ेब्रॉन्स का और एक तरफ है हमारे पास नॉइस का। नॉइस लुक वाइज देख सकते हो बहुत ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, इन हैंड फील इसका अच्छा है और ये थोड़े से आपको बड़े लगेंगे यहां पे, बट लाइट वेट है ये ज्यादा एज कंपेयर टू नॉइस। और ओवरऑल यहां पे इस तरीके की क्वालिटी मिलती है, नीचे की साइड दोनों में ही आपको जो टाइप सी पोर्ट है वो मिल जाता है और यहां पे एक सिंगल बटन दी गई है इधर की साइड और यहां पे भी आपको पीछे की साइड एक सिंगल बटन दी गई है, दैट्स इट। और यहां पे आई डोंट नो यहां पे पीआर क्या लिखा हुआ है और ये केस की क्वालिटी है, ये ऊपर की साइड खुल जाता है इस तरीके से और यहाँ पे ये वाला भी आपका ऊपर की साइड से ओपन हो जाता है, तो दोनों ही इस तरीके के लुक में आते हैं और बहुत ज़्यादा टाइनी केस में मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटे लग रहे हैं, आप देख सकते हो साइड बाय साइड। तो ओवरऑल लुक एंड फील डेफिनेटली मेरे को नॉइस का बेटर लगा एज कम्पेयर टू ज़ेब्रॉन्स। ज़ेब्रॉन्स का थोड़ा सा आपका कह सकते हो ये एक स्क्वायर डायल में आते हैं, स्क्वायर डिज़ाइन में आते हैं आपके, और ये थोड़ा सा कर्व डिज़ाइन में आते हैं और नॉइस की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है। ज़ेब्रॉन्स के ऊपर ब्रांडिंग है और यहाँ पे जेड आपको ये ज़ेब्रॉन्स की तरफ से एक आइकन मिल जाता है और यहाँ पे ये LED लाइट्स मिल जाती हैं, यहाँ पे तीन, अभी ये चार मिलती हैं वैसे तीन चार्ज हैं। और यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको टैप करते हो तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे चार्ज है, कितना चार्ज है आपको दिखा देगा। रेड लाइट ब्लिंक करेगी तो उसका मतलब ये बैटरी लो है इसके अंदर। 15 आवर्स का प्लेबैक टाइम इसमें मिलता है आपको नॉइस में और इसमें आपको करीब करीब 12 घंटे का प्लेबैक टाइम मिलता है, थोड़ा सा कम आपको दिया गया है। बट प्राइसिंग की बात में करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो अभी जो प्राइस चल रहा है इसका 1499 रुपीज़ चल रहा है, डबल प्राइस में मिल रहा है ये आपका नॉइस का एज कम्पेयर टू दिस ज़ेब्रॉन्स। अभी ये वाला करीब करीब 900 रुपीज़ का मिल रहा है और ये आपका करीब करीब आपको ऑन द सेल मिल जाता है 1199 या 1299 रुपये में। तो देखेंगे क्या कुछ डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे आप बर्ड्स को निकालें तो पर्टिकुलर बर्ड्स आपको इस तरीके से मिल जाते हैं और इसको भी मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइनी है मतलब नॉइस के एज कम्पेयर टू दिस, ये देख सकते हो यहाँ पे साइड बाय साइड आप रखें, यहाँ पे गाइस बराबर ही लग रहे हैं मेरे को, मेरे ख्याल से देख सकते हो आप बराबर लग रहे हैं। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपका यहाँ पे जो ज़ेब्रॉन्स में है यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं ये इधर की साइड, और देखो यहाँ पे आवाज़ भी आ रही है टक टक की, तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अच्छी तरीके से काम करते हैं। ज़ेब्रॉन्स की यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे की साइड ये चार्जिंग पिन्स मिल जाती है। और इधर की साइड नॉइस की अगर हम बात करें ये आपको एप्पल के डिज़ाइन वाले मिलते हैं, ये भी आपको एप्पल के डिज़ाइन वाले मिलते हैं बट यहाँ पे ये परफेक्ट फिट दे रहे हैं मेरे को एज कम्पेयर टू दिस। ये थोड़ा सा आपको पेन भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ये अलग से एक रिंग दी गई जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको पेन हो सकता है। और यहाँ पे लेफ्ट राइट की ब्रांडिंग मिल जाती है और इधर आई गेस यहाँ पे लेफ्ट राइट की ब्रांडिंग नहीं है ज़ेब्रॉन्स में, इसमें आपको मिल जाती है। तो इस तरीके से केस मिल जाते हैं मतलब इस तरीके से बर्ड्स मिल जाते हैं और ओवरऑल यहाँ पे बर्ड्स भी दोनों ही हल्के हैं, यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा बल्कि हैं ज़्यादा हल्के हैं बट दोनों ही सिमिलर हैं। और इंटरनल केस का इस तरीके से मिल जाता है आपको और यहाँ पर आपको आई गेस इस तरीके से मिल जाता है राइट। तो साइड बाय साइड दोनों ही रखें, आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से आपको सही लग रहे हैं कौन से नहीं लग रहे हैं, आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अब गाइस सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी दोनों की सुन के देखते हैं किसकी बेटर है और किसकी कम बेटर है या किस में लाउडनेस ज़्यादा है किस में लाउडनेस कम है। तो एक बार मैं पेयर कर लेता हूँ अपने फ़ोन के साथ, तो गाइस यहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो चुका है और तो गाइस यहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो चुका है। अब अगली साउंड आपको सुनाई देगी इन ज़ेब्रॉन्स के साउंड बॉम्ब की,
आई गेस यहाँ पे साउंड क्वालिटी आपने सुन ली है इसकी। अब हम इसको डबल टैप करते हैं, पॉज कर देते हैं, ये पॉज हो चुका है। अब हम कनेक्ट करते हैं अपने नॉइज़ केबल्स, राइट। इसको हम केस में रख देते हैं ताकि ये बार बार कनेक्ट ना हो। तो यहाँ पे ये हो चुके हैं। अब गाइस हम कनेक्ट करते हैं इनको, बर्ड्स को। तो यहाँ पे एयरबड्स मिनी में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे पेयर हो चुके हैं। यहाँ पे भी हाई क्वालिटी ऑडियो सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम चलते हैं एसी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो हम वापस से उसी सॉन्ग को थोड़ा सा पीछे करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल थोड़े से अलग हैं, यहाँ पे इधर की साइड कंट्रोल मिलते हैं आपको, यहाँ पे दोनों तरफ। तो इसको हम प्ले करते हैं। तो गाइस अब आप साउंड क्वालिटी सुनोगे इनकी। तो आई गेस आपको लगा होगा नॉइज़ की साउंड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी आपको। तो आई गेस आपको लगा होगा लाउडनेस ज़्यादा है साउंड नॉइज़ में। और यहाँ पे अब हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं एक बार, और मैं यहाँ पे साउंड फुल कर दूंगा ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले यहाँ पे। तो हम हेलो, हाँ 150 ही कर दो। ठीक है, मेरी साउंड साफ आ रही है कि नॉइज़ आ रहा है? मेरी साउंड साफ आ रही है? आवाज तो सही आ रही है। ओके ठीक है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ हो गया। हाँ, दूर से आ रही है क्या? हाँ, मतलब सही आ रही है। सही आ रही है, ठीक है, ओके थैंक यू। गाइज जो मेरे सुनने में आया, मेरे को थोड़ा सा इसका जो बेस है वो दबा लगा, मतलब दबा दबा सा लगा। एज़ कम्पेयर टू नॉइस में आपको खुल के बेस मिलता है, मतलब एक कह सकते हो एक पंची बेस मिलता है। और स्लाइटली यहाँ पे जो इसके ड्राइवर्स हैं उस वजह से नॉइस कहीं ना कहीं जो साउंड है मतलब लाउडनेस है वो बेटर हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ज़ेब्रोनिक्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे को साउंड क्वालिटी ओवरऑल नॉइस की ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू ज़ेब्रोनिक्स। बट यहाँ पे प्राइस को भी कंसिडर करा जा सकता है क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो ज़ेब्रोनिक्स प्राइस में बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू नॉइस। तो यहाँ पे टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कम प्राइस वाले एयरबड्स चाहिए तो आप ज़ेब्रोनिक्स की तरफ जा सकते हो। बट दोनों में ही आपको लेटेंसी मोड नहीं मिलता है, कोई भी गेमिंग मोड नहीं मिलता है। तो यहाँ पे लैग दोनों ही जो एयरबड्स हैं वो करेंगे डेफिनेटली। और कंपैरिजन वाइज डेफिनेटली यहाँ पे मैं प्रेफर करना चाहूँगा नॉइस के एज़ कम्पेयर टू ज़ेब्रोनिक्स। बट अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं है, अगर मेरे को बजट प्राइस ब्रैकेट में देखना है, तो ऑब्वियसली बात है मैं ज़ेब्रोनिक्स के ही चूज़ करूँगा। क्योंकि ये भी आपको अच्छे खासे मतलब छोटे मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा टाइनी, और लुक एंड फील इसका भी अच्छा है। बट ओवरऑल यहाँ पे जो बैटरी कैपेसिटी वो थोड़ी सी कम दी गई है, नॉइस में भी कम ही दी गई है, 15 आवर्स कमी होती है वैसे भी, बट 20 आवर्स होता तो डेफिनेटली बहुत ही बेटर था। सो गाइज ये था मेरा एक डीप डाउन कंपैरिजन नॉइस वर्सेस ज़ेब्रोनिक्स के साउंड बॉम्ब 3 के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों बर्ड्स के रिलेटेड कुछ रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल कर दीजिएगा, साथ में शॉपसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।